पुल से जुड़े भ्रष्टाचार के दावे वाली दस्तक अब आपको दिखाते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की है, शहर है कानपुर, वो शहर जहां एक मिठाई की दुकान का बोर्ड आपको याद कराते हैं। लिखा होता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। उसी कानपुर में 2 महीने पहले 61 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुल के ज्वाइंट खुल गए हैं। भ्रष्टाचार की सीमेंट बालू ईंट की मिलावट का आरोप कोई और नहीं, खुद बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। पुल बनता है इसलिए ताकि जनता आसानी से रास्ते पार करे, लेकिन जब पुल इसलिए बनाया जाए ताकि कुछ लोग उसमें करप्शन का कट पार करके अपनी जेब तक ले जाएं, तो दस्तक देना जरूरी होता है। दस्तक इस वक्त खुद बीजेपी के ही विधायक अपने ही राज में बने पुल में ईमानदारी के दावों का ज्वाइंट खुल जाने पर दे रहे हैं। शहर है पूरब का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर, जगह है पनकी धाम का पुल। निरीक्षण करने वाले हैं सुरेंद्र मैथानी, बीजेपी के विधायक। विधायक जी, इस पुल में हुई इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां दावा है 2 महीने पहले बनकर तैयार हुए पुल के ज्वाइंट खुलने लग गए। ज्वाइंट यानी पुल के बीच में 2 हिस्सों को जहां जोड़ा जाता है। 61 करोड़ की लागत से तैयार हुए पुल की एक खबर जहां 2 महीने में ज्वाइंट बदलने की नौबत आ गई।